महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर किया अनशन। पिछले लंबे समय से शिप्रा शुद्धिकरण की मांग उठती आई है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी शिप्रा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। उज्जैन में भले ही चौमुखी विकास हो रहा हो, लेकिन शिप्रा के लिए आज तक सिर्फ घोषणाएं होती है। करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद भी शिप्रा की स्थिति जस की तस बनी हुई है। सिंहस्थ के समय कई अखाड़ों के संतों ने शिप्रा को लेकर आंदोलन किए थे। एक साल पहले ज्ञानदास महाराज ने आंदोलन किया था, जहां उज्जैन के समस्त नागरिकों और संत समाज का उन्हें समर्थन भी काफी मिला था। सरकार के तीन मंत्रियों ने महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज का अनशन इस आश्वासन के साथ खुलवाया था कि जल्द सरकार एक नई योजना बनाएगी जो कि ठोस होगी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी योजना नहीं बनी है। ऐसे में फिर एक साल बाद ज्ञानदास महाराज ने अपना आंदोलन शुरू करते हुए अन्न और चरण पादुका त्याग दी है। ज्ञानदास महाराज का कहना है कि इस बार वे तब ही आंदोलन खत्म करेंगे जब शिप्रा शुद्धिकरण हेतु काम शुरू हो जाएगा। जब तक वे संत समाज के मार्गदर्शन लेकर आंदोलन चरणबद्ध रूप से जारी रखेंगे। आज शुरू किया है और क्या आगे की रूपरेखा रहेगी? पिछली वर्ष देवउठनी एकादशी द्वादशी चतुर्मास के समापन से मैंने ये आरंभ किया था, तो उसके बाद लंबे समय तक चला है और प्रतिनिधियों के द्वारा जो है आश्वासन देकर के इसको समाप्त किया गया था। अब फिर से वापस एक वर्ष इसको पूरा होने आया है, लेकिन हमें कोई शिप्रा जी के लिए कोई कार्य ऐसा दिखा नहीं कि आरंभ हो गया हो। खान नदी है या और भी देवास से भी पानी आता है, शहर के गंदे नाले अभी भी मिले पड़े हैं। आप देखो पानी ऐसा कोयले जैसा काला कट पानी हो रहा है। अब सिंहस्थ आने वाला है, इस स्थिति में अभी काम शुरू नहीं होगा तो फिर कब होगा? अगर अभी नहीं हुआ तो बाद में सिंहस्थ पास में आ जाएगा, होगा नहीं, क्योंकि जादू की छड़ी तो किसी के पास है नहीं कि सिंहस्थ आया और इसको जो है शुद्ध कर दिया एकदम, ऐसा तो हो नहीं सकता। कि वक्त है, समय रहते कार्य आरंभ होगा तो ही ये शिप्रा जी का शुद्धिकरण होगा। लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु बाबा महाकाल के यहाँ आते हैं तो सब आशीर्वाद देंगे, संत महात्मा आते हैं आशीर्वाद देंगे कि पावन निर्मल जल है, प्रसन्न होंगे खुश। इस तरह से हरिद्वार और काशी के घाट साफ और सुथरा बने हैं, सरकार ने उसके ऊपर काफी पैसा भी खर्च किया है और अधिकारियों ने भी काम किया है, लेकिन यहाँ पर सरकार तो जागरूक है लेकिन अधिकारी जो है नीचे स्तर के वो काम नहीं करते हैं, पैसे का गोलमाल कर जाते हैं। ये पिछले 20 वर्ष से करोड़ों रुपए का घोटाला शिप्रा नदी के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर किए हैं। ये संकल्प भी है और सबसे अपील है, संत तो समाज का, समाज की संपत्ति भी है, समाज का नेतृत्व करते हैं और समाज की आत्मा है, जो कि ये 2 अरब वर्ष पुरानी परंपरा, और इस परंपरा में संतों ने हमेशा ही धर्म को लेकर के अपने जीवन में भी त्याग किया है और आज भी अद्यावधि कर रहे हैं। हम भी ज्ञानदास जी महाराज जी के साथ हैं, हमने भी चाकड़ी चरण पादुका त्याग भी है और हम भी शिप्रा शुद्धिकरण के लिए महाराज जी के साथ पूरे समर्थन में है, और भी साधु संत और भी जनता जुड़ने वाली है, क्योंकि इसको एक शुद्धिकरण करने के माध्यम से मतलब एक ऐसा स्थान बनेगा। आज इतने करोड़ों रुपए खर्च करके लोग कॉरिडोर यहाँ बना है तो लोग कहाँ कहाँ से देखने आ रहे, तो जो कोई आता है वो शिप्रा की आस्था से आता है और शिप्रा में स्नान चरणामृत लेने आते हैं, तो वहीं शिप्रा की आप दुर्दशा देखते हैं तो हमको मतलब नहीं अच्छा लग रहा है कि ये कब तक प्रशासन ऐसे ही चलाएगा। कुछ उसके आगे आके शिप्रा की शुद्धिकरण कराए और हमारा समर्थन महाराज जी के साथ में संपूर्ण है। ओम नमो नारायण।